तो इस समय कोर पोर्टफोलियो और जैसा आपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कहा कि सीमेंट है या फार्मा सेक्टर में अच्छा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है या अंडर ओनरशिप है उसके चलते आप वहाँ पे नज़र रखें, तो इस समय एक निवेशक की कोर पोर्टफोलियो की संरचना कैसी होनी चाहिए? आई डिडंट एग्जैक्टली गेट योर क्वेश्चन। आप क्या मतलब आज एलोकेशन? आज आज की तारीख में एक इन्वेस्टर अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो उसमें किस किस सेक्टर को कितनी मात्रा में तवज्जो देनी चाहिए? ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि बहुत कम इन्वेस्टर ये क्वेश्चन पूछते हैं या इस पर विचार करते हैं। मेरे ख्याल से जो सेंसेक्स निफ्टी की जो वेटेजेस है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको, और एटलीस्ट 25-30% मतलब शुड काफी हद बी। तक उसको फॉलो करें, बैंकिंग बिल्कुल तीस बिल्कुल, तीस बैंक्स तीस है, पैंतीस परसेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ऑटो है, सो यू कैन बी ओवरवेट इन बैंक्स। आप एक पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं ऑटो में, कैपिटल गुड्स में, फार्मास्यूटिकल्स में भी ले सकते हैं जैसे मैंने कहा। थोड़ा नेगेटिव व्यू ऑन मेटल्स पर से, टू एन एक्सटेंट सीमेंट भी आप ले सकते हैं। तो थोड़े थोड़े, मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े परसेंटेजेस आप लेने चाहिए, लेकिन द सेक्टर्स टू बी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ऑन इन अ बिग वे आई थिंक वुड बी द बैंक्स एंड वुड बी ऑटो एंड वुड बी कैपिटल गुड्स। इनमें आपको थोड़ा अपना वेटेज, अपनी पोजिशंस ज़्यादा बरकरार रखनी चाहिए। जी? और आईटी सेक्टर, वहाँ पर किस तरह के नतीजे आपको लगते हैं हाल में? मतलब नीचे से तो काफ़ी ये संभला है सेक्टर, लेकिन अभी एक्सेंचर के जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके बाद लगता है बाज़ार में थोड़ा सा डर बना है। हाँ वो तो है, लेकिन आई डोंट थिंक एक्सेंचर इज रियली द काइंड ऑफ फ्लैग बेरर फॉर द इंडियन आईटी स्टॉक्स। और जो लास्ट कैप आईटी में है, आई थिंक आई वुड बी अ बिट कॉशियस देयर स्टिल, लेकिन द टाइम टू सेल इज गॉन। काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुका है, प्राइस वाइज टाइम वाइज हो चुका है करेक्शन। पर जो हमारी फेवरेट्स है दैट इज मोर इन द मिड कैप आईटी स्टॉक्स, और वहाँ पर आई थिंक अभी भी ग्रोथ रेट्स अच्छी है। अभी भी आई थिंक ऑर्डर फ्लोज अच्छे हैं, दे आर एबल टू मैनेज देयर एनवायरनमेंट मच बेटर, और छोटे मोटे ऑर्डर आते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट बरकरार रहती है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन मिड कैप आई टी, स्पेशली जैसे जो कुछ नाम कंपनियाँ हैं जो जैसे स्पेशली जो कंपनीज विच आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड नॉट रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ सर्विसेज विद यूजुअल नेम्स की हम और हमारे क्लाइंट इन्वेस्ट कर चुके होंगे। कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, KPIT, कोफॉर्ज, आई थिंक इन सभी कंपनियों में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं और नो डाउट महंगे है। थोड़ा करेक्शन में आप लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी आपकी आपको, लेकिन ऑन द होल उनकी जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी वो बहुत ही बढ़िया है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव ऑन मिड कैप आईटी। और ये जो जी? आईटी और फार्मा है, एक समय था कि आप कुछ भी खरीद सकते थे वहाँ पर, लेकिन अभी आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जो ग्रोथ रेट्स है इन दो सेक्टर्स में कंपनीज की, दे विल बी वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी विजिबली आई वुड से, यू नो, एक एक कंपनी ऐसी होगी कि दे विल डू वेरी वेल, सम में डू नॉट डू वेरी वेल एज वेल, सो द ग्रोथ्स विल बी वेरी हाईली डिफरेंशिएटेड। जी, तो मतलब ये कि इस समय इन्फोसिस वगैरह खरीदने के बदले टीसीएस या विप्रो, एच सी एल, टेक यस टेक महिंद्रा, इन सब पर ध्यान देने के बदले जो आपने मिड कैप नाम बताए उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो वहाँ ज़्यादा बेहतर मतलब परसेंटेज रिटर्न आगे चल करके मिल पाएगा जी? लेकिन क्या वो एडेड रिस्क के साथ आएगा या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा होगा उनमें? आई थिंक इवन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज ऑल्सो दे विल डू वेरी वेल। राजीव जी, एक समय था कि जो लार्ज कैप आई टी कंपनीज थी दे वर ग्रोइंग एट अ रेट मच फास्टर देन मिड कैप आई टी ऑल्सो, लेकिन अब जो समय आ रहा है और पिछले जो हमने देखा है पिछले 3-4 सालों से, तो मिड कैप आई टी ने अपनी जगह बना चुके हैं एंड दे आर रियली गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दी लार्ज मल्टी नेशनल कंपनीज ऑल्सो, कि अगर आपको कुछ खास प्रोजेक्ट्स करने हैं देन सडनली शुड गो फॉर मिड कैप आई टी कंपनीज। और आज की तारीख में जिस हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दे आर ऑल स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर क्लाउड के प्रोजेक्ट्स है, IoT है, तो ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्ट्रेटेजिक रहते हैं, छोटे रहते हैं, मतलब कम साइज रहती है उनकी और कम समय में इनको डिलीवर करना पड़ता है। और जो इंडियन आईटी कंपनीज है, जो मिड कैप आईटी कंपनी स्पेसिफिकली, उनका अगर उसमें कुछ खास डोमेन नॉलेज रहता है
या फिर खास स्किल सेट रहती है तो उनको एक एज बन जाता है और उनकी प्राइसिंग भी थोड़ी सस्ती रहती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इतना कहना चाहूँगा कि मिड कैप आईटी ने अपनी जगह बना रही है पूरे आईटी इंडस्ट्री में और मेरे को भी इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं दिख रही है एज़ कम्पेयर टू 3-4 years अगो। इनफैक्ट लार्ज कैप आईटी की प्रॉब्लम क्या है कि उनकी बेस बहुत बड़ी हो चुकी है और अनलेस दे डोंट गेट यू नो $1-2 billion वर्थ ऑफ ऑर्डर्स विच आर एग्जीक्यूटेबल ऑन इमीडिएट बेसिस, उनकी ग्रोथ रेट्स विल बी प्रीटी मच फ्लैट गोइंग फॉरवर्ड। जी, और आजकल कोई भी बातचीत HDFC बैंक का जिक्र किए बिना तो पूरी होती नहीं है, वहाँ पर क्या लग रहा है? क्या एक कुछ समय तक थोड़ा लोग कह रहे हैं कि बहुत छूने की ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ लगता है क्या? देखिए बहुत मुश्किल सवाल है। HDFC बैंक अगर वो बेचना था तो वो समय तो चला गया है, इट हैज़ अंडर परफॉर्म बिग टाइम, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आप इंडिया में विश्वास रखते हो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हो तो HDFC बैंक कैन नॉट डू बैडली। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द कंट्री, इट इज़ यू नो प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेनी सेक्टर्स, मेनी ज्योग्राफीज, ऑलमोस्ट ऑल। तो अगर इंडिया की स्टोरी जारी रहनी है, अगर इंडिया की ग्रोथ रेट्स अच्छी रहनी है तो इवेंचुअली HDFC बैंक ऑल्सो विल डू वेल। सो आई थिंक दैट यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। मे बी नए खरीदारी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे पास शेयर्स है, कई लोगों के पास शेयर्स है, आई डोंट थिंक द टाइम टू सेल इज जस्ट नाउ, टाइम चला चुका है, यू शुड हैव सोल्ड एट अ हायर लेवल, बट राइट नाउ इट्स बेस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। मतलब वो व्यू ठीक है कि अभी कुछ इसमें नया करने के लिए नहीं है, ना बेचने का समय है ना खरीदने का समय है। जी, और तो फिर बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपको पसंद है, कोर पोर्टफोलियो में रखना भी है, 1/3 ऑफ पोर्टफोलियो रखना है, तो अभी क्या पसंद है या नया कुछ जोड़ना है तो क्या जोड़ना है? देखिए आई थिंक अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक, ICICI है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, आई थिंक ऑल ऑफ दिस बैंक्स हैव डन प्रीटी वेल ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो PSU बैंक में भी अच्छी खरीदारी आ रही है और उनकी वैल्यूएशन तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। मेरे ख्याल से अगले 2-3 तिमाही के लिए उनके नतीजे बहुत बढ़िया आने चाहिए। सो देयर आर मेनी चॉइसेस इन द बैंकिंग सेक्टर और यू कैन बाय एनी ऑफ द बैंक्स, आई थिंक पर से दे विल डू प्रीटी वेल गोइंग अहेड आल्सो। जी, और मेटल सेक्टर को आपने नेगेटिव लिस्ट में रखा है अपनी, तो वहां पे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ समय तक ठीक नहीं रहेगा उनके लिए? देखिए यू नो यू मेटल्स कैन डू वेल और जैसे कि JSW है, टाटा स्टील है, सर्टनली दे हैव क्रिएटेड वैल्यू, पर वी वांट टू गो फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स जहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़े बहुत ठीक ठाक स्टेबल आते हैं, दे आर नॉट दैट वोलेटाइल। और मेटल्स में जो नंबर्स आते हैं काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं और ग्लोबल फैक्टर्स भी उनके ऊपर असर करता है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आर प्रेफरेंस इज नॉट फॉर मेटल्स। बट येस आई थिंक इफ यू हैव सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स दे कैन डू वेल एज वेल, बट जनरली इट्स लाइक अ वेरी हमारी एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा है नहीं मेटल्स में, इतने ज़्यादा समझते नहीं है इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी समझ है, जिसकी सोच अच्छी है मेटल्स में, दे कैन सर्टेनली लुक एट इट। मैं तो इतना ही केवल कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए नहीं है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड मतलब 15-20 सालों में, उसकी वजह से वी रिमेन अंडरवेट। इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आ रहे हैं जैसे कि बैंकिंग में, ऑटो में, कैपिटल गुड्स में, मिड कैप IT है, रियल एस्टेट है, इतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरीज है, इन्वेस्टमेंट थीम्स है, यू प्रिफर मोर सेक्युलर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज देन मेटल्स। जी,